महाराज इधर रावण की बुद्धि खराब हुई, रावण सीता को चुराने के लिए गया। तुमने देखा होगा जब इंसान की मौत आती है ना, तो वो पराई बहन बेटी की तरफ गलत नजर डालता है। रावण की मौत आई, सीता को चुरा करके ले गया, क्या हुआ? सर्वनाश हुआ था। जब बाली की मौत आई, तो भाई की पत्नी की तरफ गलत देखा, क्या हुआ? सर्वनाश हुआ था। कीचक की मौत आई, पराई स्त्री की तरफ गलत देखा था, द्रौपदी की तरफ क्या हुआ? सर्वनाश हुआ था। कीचक जब अपनी बहन के यहां गया था, तो द्रौपदी वहां पर अपना वनवास बिता रही थी, तो कीचक की नजर द्रौपदी पर पड़ी, तो वो अंधा हो गया। कीचक की बहन ने बहुत समझाया था, भैया ये पराई बिटिया है और पराई बहन बेटी की तरफ गलत नहीं देखना चाहिए, लेकिन नहीं माना। मैं तो क्या किया था, बहन समझा रही है भैया पराई स्त्री है, पराई बहन किया है, गलत ना था, तू नहीं जानता। पर नारी चेहरा को फंकाए, बीस भुजा दस शीश फटे, मिट गई असुर की लगनाए। पराई स्त्री की तरफ गलत देखना मानो मौत को दावत देना। पेनी कतार धार देगा सी पराई नार जाने की ओके हजार सिकाऊ ना करीबा पेशगा तेरी बड़े बड़े कहीं हार चुप चाप बैठता से भैया मेरे पर नारी की प्रीति भूस की कफनी चिंगारों कले जो गाड़ी होती नहीं अपनी। जैसे रंग को संग की चादर, तैसे रंग पर आई तेरी याद, हाल ही तो हसी के बोले जिया हाल में कर दे बिंदी के
दुश्मन मिले सवेरे आए मतलबिया और पूरी हो कीचक ने द्रौपदी की तरफ गलत नजर डाली, क्या हुआ? सर्वनाश हुआ था। वही बुद्धि रावण की खराब हुई, सीता को चुरा करके ले गया। राम की कोई ताकत नहीं थी जो रावण को मार लेते। रावण के पास इतना ज्ञान था, उतना ज्ञान किसी के पास नहीं था।